हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपको पता है कि 22 पार्ट्स में है। तो 22 पार्ट्स कौन से हैं वो उसी को मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और उसी के बारे में दोस्तों आज हम समझेंगे कि वो कौन से 22 पार्ट्स हैं और हम उनको किस तरीके से याद कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में भी मैंने इसके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप को ये दिखेगा कि 22 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा और वो इंग्लिश में भी मैंने बताया हुआ है। तो दोस्तों, ये 22 पार्ट्स मैं हिंदी में भी लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि हिंदी में भी चाहिए, तो मैंने हिंदी में लेके आया है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें, और इसके अलावा आपको कोई भी सजेशन चाहिए या फिर आप मुझे कोई भी सजेशन दे सकते हो किसी भी टॉपिक को लेके कि यार सर आप इस वीडियो पे बनाइए, इस टॉपिक बनाइए, मैं किस पे भी आप बना के आपको दूंगा। अगर आप जिस पे भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपको चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन करते समय, जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे मुझे बोलिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। अगर दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इन वर्डों के एक स्पेसिफिक टर्म में वर्ड बताया हुआ, जैसे 1 का सन, 2 का सूज, 3 का ट्री, ये कैसे बनते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, बहुत सारे वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप चेक करेंगे, आपको ये दिखेगा कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, पूरे 1 से लेकर 100 तक मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड बना के रखा हुआ है। वो देख लीजिए आप, वो एक बार देख लेंगे आप मेमोराइज कर लीजिए उसको, या तो वैसे हो जाएगा क्योंकि मैंने उसमें याद करवाया हुआ है, उसका ट्रिक है, वो कर लीजिए, फिर आपको दोस्तों ये फटाफट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यही बात मैं बताने वाला था कि मैं 1 से 7 ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं वहां जाना तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 से कैसे आते हैं, 1 से सन, मैंने 1 से सन बताया हुआ है, ठीक है। तो सन क्या कर रहा है, सन उसका राज्य, जो सन होता है वो अपनी रोशनी साथ में सबको एक साथ देता है, मतलब कि सन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश को ज्यादा सन दे देगा, मध्य प्रदेश को कम लाइट देगा, वो सबको क्या करता है, समान लाइट देता है। तो सन मतलब साथ में, सबको एक ही साथ में क्या करता है, सबको एक साथ लाइट देता है। तो सन मतलब पहला, फर्स्ट से क्या बनाएंगे, सन, संग और उसका राज्य, तो सन क्या करता है, सबको साथ में लाइट देता है। सेकंड है सूज, सेकंड पे सूज होता है, ये आपको मेमोराइज करना है। नहीं देखा दोस्तों, आप मेरा प्लेलिस्ट देखिए, उसके बाद ही कोई डाउट बोलना, नहीं तो दोस्तों आप पहले प्लेलिस्ट देखिए, इस वीडियो को देखिए कि मैं 3 से 3 क्यों बोल रहा हूँ, 4 से 2 क्यों बोल रहा हूँ, वो देखिए फिर आप यहाँ आइए। 2 से सूज, तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि नागरिक लोग जो होते हैं वो सूज पहनते हैं, जो नागरिक, जो भारत के नागरिक हैं वो सबके सब क्या पहनते हैं, सूज पहनते हैं, सूज पहन के घूमते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं पार्ट 2 में नागरिकता, ठीक है। पार्ट 3 में क्या है, थ्री पे ट्री, मौलिक अधिकार, पेड़ लगाना हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। तो 3 से 3, मौलिक अधिकार क्या है आपका, पेड़ लगाना, इससे आप याद करिए कि मौलिक अधिकार आपका क्या है, पेड़ लगाना। 4th डोर, 4 पे डोर है, तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि जितने भी नीति निर्देशक तत्व है, जितने भी नीति निर्देशक तत्व के डॉक्यूमेंट है, उसको आपने कहाँ पे रखा हुआ है, डोर में संभाल के रखा हुआ है, कहाँ पे संभाल के रखा हुआ है, डोर में, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज करना है कि नीति निर्देशक तत्व आप कहाँ पे संभाल के रखे हो डॉक्यूमेंट को, डोर में। आगे नाइफ दिया हुआ, नाइफ में 5th क्या है, नाइफ में क्या है दोस्तों, जितने भी आपके संघ वाले हैं, संघ वाले मतलब जो भी आपका यूनियन है, जो भी स्टेट है, उसकी जो शासन व्यवस्था वाले लोग हैं, वो हमेशा नाइफ लेके घूमते हैं, क्या लेके घूमते हैं, नाइफ मतलब चाकू लेके घूमते हैं। तो जितने भी आपके संघ वाले शासन जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो संघ में यूनियन में शासन व्यवस्था कर रहे हैं, वो क्या लेके घूमते हैं, नाइफ, ऐसे आते हैं विक्स। और राज्य का शासन जो करने वाले हैं, जो राज्य का शासन अपने हाथ में संभाला हुआ है, वो क्या लगाते हैं सर में, विक्स लगाते हैं, इस तरीके से याद करना है दोस्तों। विक्स कौन लगाता है, जो राज्य का शासन करता है, तो राज्य का शासन कौन करता है, जो विक्स लगाता है, इस तरीके से भी आपको याद करना है। सेट, 8 पे सेट, 6 विक्स, तो 8 पे सेट, 7 नहीं लिखा क्योंकि 7 को हटा दिया गया है, 8 में क्या है, सेट, सेट पे क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, सेट क्या करते हैं, जो भी संघ राज्य का क्षेत्र है उसको संभालते हैं, क्या करते हैं, राज्य के जितने भी क्षेत्र हैं उसको कौन संभालता है, सेट संभालता है, ठीक है। आगे वाई, तो अब हमारे इंडिया में जो भी पंचायत होते हैं, उन पंचायतों को कौन करता है, जो वाइन पीता है, मतलब कि हमारे इंडिया में जितने भी पंचायत होते हैं सबके सब वाइन पीने वाले करते हैं, जस्ट पनी बनाना है हमको, याद करने से मतलब है, तो याद हो गया, ठीक है। वाइन पीने वाले क्या करते हैं, पंचायत करते हैं, ठीक है। आगे 10 हेन, हेन पे क्या है,
अनुसूचित और जनजातियां। अनुसूचित जनजातियां मतलब कि दोस्तों हेन, हेन का मतलब ठीक है। तो अब अनुसूचित जनजातियां इनको हेन में रखा गया है, थोड़ा समझिए दोस्तों। अनुसूचित और जनजातियों में किसको रखा गया है, हेन को रखा गया, गुर्गी को रखा गया ठीक है, अनुसूचित और जनजातियों में। तो अगर इंडिया में पूछता है अनुसूचित जनजातियों में कौन किसको रखा गया, तो हेन को रखा गया। जस्ट इमेजिन करना है, इमेजिन करना, फनी इमेज ऐसा रियलिटी से कुछ लेना देना इसका नहीं है, हमको सिर्फ याद करने से मतलब। तो अनुसूचित और जनजातियां में किसको रखा गया, हेन को रखा गया। हेन किसको आता है, टेन, टेन हेन। इलेवन पे दादा, इलेवन पे दादा कैसे होगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध। तुम्हारे दादा क्या करते हैं, या हम, मेरे दादा क्या करते हैं, संघ और राज्यों, यूनियन और राज्यों के बीच में जो संबंध बनाते हैं वो कौन है, दादा। दादा यहाँ खड़े हैं, संघ यहाँ पे, राज्य यहाँ पे, दोनों का जो कनेक्शन बनाता है कौन बनाता है, दादा। ऐसे याद करना ठीक है, ये याद रखना। आगे थर्टीन, थर्टीन पे क्या दिया दोस्तों, ट्वेल्व यहाँ है दोस्तों, पहले ट्वेल्व बता देता हूँ फिर थर्टीन बताता हूँ। ट्वेल्व पे क्या है, डॉन। तो डॉन क्या करता है दोस्तों, वित्त, संपत्ति, संविधान और वार। डॉन कौन होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, ऐसा इमेजिन करना है। डॉन मतलब शाहरुख खान को इमेजिन कर लीजिए, तो उसके पास बहुत पैसा है। तो डॉन क्या करता है, वित्त जो पैसे हैं उससे संपत्ति, जितने भी लैंड है सब, और संविधाएं मतलब जितनी भी दुविधा होती है और बात होते हैं सबके सब कौन देखता है, डॉन देखता है। तो डॉन पे क्या आएगा, बारह। इसको डिकोड करेंगे तो ये डी का वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा, बारह ठीक है दोस्तों। आगे थर्टीन, थर्टीन पे क्या है, टीम। थर्टीन को कोड करेंगे, वन का टी हो जाएगा और थ्री का एम हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, वोवेल्स कट जाता है, मैंने बताया। अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, तो पहले वीडियो देखिए। तो टी और एम, अब वन से टी और थ्री से एम। तो टीम वाले क्या करते हैं, इंडियन टीम वाले क्या करते हैं, व्यापार, वाणिज्य और समागम करते हैं। क्या करते हैं, व्यापार, वाणिज्य और समागम, मतलब जो भी व्यापार से जुड़ी चीजें हैं सबके सब कौन करता है, टीम वाले करते हैं, हमारे इंडियन टीम वाले ठीक है। 14 पे दारू, दारू। तो दारू संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो कौन करता है, जो दारू पीते हैं। वाइन जो पीता है वो पंचायत करता है, ध्यान से सोचिए दोस्तों। वाइन पंचायत, जो वाइन पीता है पंचायत करता है, वाइन नाइन। और यहाँ पे दारू कौन पीता है, जो राज्यों के अधीन सेवाएं करता है ठीक है। आगे 15, निर्वाचन। जो निर्वाचन करते हैं वो हमेशा तेल लगा के आते हैं, या तेल लगा के निर्वाचन करते हैं ठीक है। आप इमेजिन, आपको फनी इमेज बनाना और फनी रिलेट करना है तो आप बना सकते हो। आपको निर्वाचन कब करते हैं बोलो, जब तेल लगाते हैं, या तेल लगा के निर्वाचन करते हैं, आप कुछ भी याद कर सकते हो ठीक है। तेल से क्या हो जाएगा, वन से टी से वन, फाइव से एल, ये हो गया तेल, निर्वाचन करते हैं। 16 पे क्या है, तेज। कुछ वर्गो के लिए विशेष उपबंध, 16 पे क्या है, तेज। वन पे क्या है, टी, और सिक्स पे जे। तो तेज क्या हो गया, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। जी हाँ दोस्तों, कुछ वर्ग जो तेज होता है, मतलब कुछ वर्गों के लिए इतना विशेष चीज बना दिया गया है कि वो बहुत तेज हो गए हैं। क्या हो गए हैं, बहुत तेज हो गए हैं ठीक है, इस तरीके से। आगे 17, टाका। आप ऐसे इमेजिन करिए कि जो हमारी राजमाता है, जस्ट कोई सीरियस नहीं लेगा, जस्ट हमको फनी इमेज बनाना है। जो हमारी राजमाता है उनका किसी के साथ टाका भिड़ा हुआ है ठीक है। राजमाता किसको भी ले सकते हो, राजमाता कुछ भी ठीक है। तो राजमाता से राजभाषा हो जाएगा, और टाका भिड़ा हुआ है तो टाका से क्या हो जाएगा, वन, और के से सेवन, ये वोवेल्स कट जाएगा। आगे 18 पे क्या है दोस्तों, टीवी। टीवी से क्या होता है, आपात उपबंध ठीक है। क्या होता है, आपात उपबंध। टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है, आपात उपबंध कैसे करना है, ये कहाँ दिखाया जाता है दोस्तों, टीवी पे दिखाया जाता है, हमेशा हमको न्यूज पे दिखाया जाता है। अगला है दोस्तों 19, टॉप। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण मतलब किरण, किरण समझो मतलब कोई प्रकाश की किरणें आ रही है ठीक है। तो वो कहाँ पड़ रही है, सीधा टॉप पे पड़ रही है। टॉप मतलब इसके टॉप पे ठीक है, एकदम टॉप पे, ऊपर एकदम, जो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है, एकदम टॉप पे पड़ रही है। टॉप मतलब एकदम ऊपर पड़ रही है। तो क्या हो जाएगा, टॉप पे, नाइन, वो कट जाएगा, वन से टी, नाइन से पी। 20 पे क्या है, नशा। संविधान संशोधन करने वाले हमेशा नशे में रहते हैं, हमेशा। कभी भी आप देखो जो संविधान संशोधन करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, नशा करते हैं, ये ऐसे याद होगा ठीक है। तो नशा, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, एन से टू, एन से जीरो। तो संविधान संशोधन करने वाले क्या करते हैं, हमेशा नशा करते हैं। 21 पे आंटी है, 21 आंटी, ये कट जाएगा, सॉरी एन रहेगा, ए कट जाएगा, एन से टू और डी से वन, आंटी। तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जो अस्थायी और संक्रमणकालीन का विशेष उपबंध है वो कौन करा के देता है, आंटी कराती है। तो आंटी क्या कराती है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। आगे
22 पे क्या है नाना, तो आपके जो नाना है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रकृत पाठ का निरसन करते हैं। क्या करते हैं? नाना, नाना संक्षिप्त नाम, मतलब कोई किसी का नाम रखना रहता है या फिर प्रारंभ हिंदी में प्रतिकृत पाठ को पढ़ना रहता है या उसका निरसन करना रहता है, तो वो काम कौन करता है? हमारे नाना जी करते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों, इसको वर्ड को थोड़ा ध्यान में रखना आपको। तो दोस्तों ये होगा टोटल 22 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप आराम से इसको रिवाइज कर सकते हो। सन से क्या हो जाएगा? सन को सोचना। सन क्या करता है? सन के साथ में राज्यों को सभी को प्रकाश डालता है। इस तरीके से दोस्तों आपको रिविजन करना है, आपको 22 याद हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई वीडियो, कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करिए, जिससे मैं उस टॉपिक की वीडियो बना सकूं। चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, और अगर दोस्तों अगर वीडियो चैनल आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे पता चले कि मुझसे कितने लोग जुड़ चुके हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।